हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुमित वाइल्ड लाइफ सेवर। आज जिस विषय के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी हो गया है। मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाए क्योंकि स्नेक बाइट का जो इंसिडेंट त्रिपुरा में कुछ दिन पहले हुआ है उसके बारे में आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इंडिया में हर साल अप्रॉक्स 50,000 स्नेक बाइट का इंसिडेंट होता है, जिसमें हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, दैट इज़ त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, आसाम, ये जो रीजियन है इसका जो डाटा है वो नहीं है। इसको छोड़ के इंडिया में 50,000 का आसपास स्नेक बाइट इंसिडेंट होता है। स्नेक बाइट का डेथ होता है, इंसिडेंट नहीं डेथ होता है, इतना डेथ होता है हर साल। तो नॉर्थ ईस्ट में भी होता है जो ज़्यादातर रिकॉर्ड में नहीं आता। त्रिपुरा में भी स्नेक बाइट का इंसिडेंट होता रहता है, बट कंपेयर टू अदर पार्ट कम होता है। बट जिस स्नेक के वजह से यहाँ पे ज़्यादातर स्नेक बाइट का इंसिडेंट हो रहा है उसके बारे में आज जानेंगे। कुछ दिन पहले कुमारघाट में एक स्नेक बाइट का इंसिडेंट हुआ जिसमें एक नौजवान मारा गया। तो कौन सा स्नेक के द्वारा ये हुआ, लोग कितना सुपरस्टिशन को यहाँ पे बिलीव करते हैं, क्यों हुआ, आज देखेंगे इस वीडियो में। तो त्रिपुरा का वो स्नेक बाइट इंसिडेंट का जो न्यूज़ कवरेज हुआ था वो हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा टीवी में। कुमारघाट थानाधीन पूर्व कांचनबाड़ी दशघरिया इलाकाय मंगलवार राते इलाकार बासिंदा निरंजन देर छेले उत्तम प्राकृतिक काज सारते बाइरे बेर हय। सेखाने एकटी विषधर साप दंशन करे ताके, साथे साथे बाड़ीर लोकजन ताके संज्ञाहीन अवस्थाय निये जाय एलाकार एक ओझार काछे। सेखाने प्राथमिक अवस्थाय झाड़फूंक दिये तादेर बाड़ी पाठाय ओझा। পরবর্তীতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাতে নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমে কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে এবং পরে সেখান থেকে পাঠানো হয় ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে। কোনো হাসপাতালে সাপে কামড়ের প্রতিষেধক না থাকতে রোগীকে কৈলাস শহর থেকেও রেফার করা হয় আগরতলায়। জীবিত যাবার পথে তার শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি দেখে পরিবারের লোকজন বুধবার সকালে তাকে মনু হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন বলে জানিয়েছেন মৃতের পরিবারের লোকজন। আপ সবকো মালুম হে কি স্নেক বাইট কা জো ইনসিডেন্ট হুয়া ইয়া পে হাম লোগ আবি দেখা কি কেসে স্নেক বাইট ইনসিডেন্ট কে বাদ ভিকটিম কো লেকে উন লোগ পেলে सुपरस्टिशन का बिलीव जो है, अंधविश्वास जो है, इसके वजह से पहले उन लोग स्नेक चारमार के पास गए, इसके फिर उन लोग हॉस्पिटल में गए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है अभी, क्योंकि इंटरनेट पे कितना सारा वीडियो आता रहता है आजकल कि स्नेक बाइट इंसिडेंट होने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके बावजूद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग उसको लेके पहले विक्टिम को लेके उन लोग स्नेक चारमार के पास गए। ये एक बड़ा रीज़न है इस डेथ का। फिर इसके बाद उन लोग गए हॉस्पिटल लेके। मोर ओवर वन मोर थिंग जो मैं इंक्लूड करूँगा, त्रिपुरा का हर एक हॉस्पिटल में स्नेक बाइट इंसिडेंट का, स्नेक का बाइट के लिए जो दवाई मिलता है जिसको हम लोग पॉलीवेनम बोलते हैं, स्नेक के जहर से जो बनाते हैं पॉलीवेनम, वो नहीं मिलता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है उसमें अवेलेबल है। तो आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि कब भी स्नेक बाइट हुआ तो आप कोशिश करिए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके जाइए, जाने का कोशिश कीजिए। मोर ओवर जिस स्नेक के वजह से यह बाइटिंग इंसिडेंट हुआ, अभी हम लोग देखेंगे वो उस स्नेक के बारे में, वो स्नेक कौन सा स्नेक था। तो जानकारी के अनुसार हम लोगों को जो खबर मिला, हम लोग गए थे वहाँ पे कि जो स्नेक बाइट का इंसिडेंट हुआ था वो रात को हुआ था। उन लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन के लिए फ़ोटो दिखाया जो, और जिस स्नेक के वजह से इस बाइटिंग इंसिडेंट हुआ, नॉट ओनली दिस वन, त्रिपुरा में पहले भी जो बाइटिंग इंसिडेंट के वजह से लोगों का मृत्यु हुआ है, स्नेक बाइट के वजह से मृत्यु हुआ है, इसके लिए एक ही सांप यहाँ पे जिम्मेदार है। वो स्नेक का नाम है ग्रेटर ब्लैक क्रेट। आप देख सकते हैं ग्रेटर ब्लैक क्रेट, जिसको बंगाली में काल सांप भी बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नाम है बांगारास नीगर। इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अभी हम यहाँ पे देखेंगे इस स्नेक को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला स्नेक इतना बड़ा नहीं होता है, वाला स्नेक उसका जो करेक्टरिस्टिक है, उसका जो नेचर है वो नॉक्टर्नल होता है, रात को निकलता है। तो रात को जहाँ पे भी स्नेक ज़्यादा मिलता है आपको सावधानी से रहना चाहिए। रात को आप जब भी निकले आपको टॉर्च यूज़ करना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं स्नेक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
यू कैन सी कि ये वाला स्नेक का जो वेंट्रल पोर्शन है व्हाइट रहता है, छोटा होता है, पूरा वो ब्लैक कलर का होता है। सबसे बड़ा बात है रात को निकलता है, उसका जो डाइट है दूसरा स्नेकों को खाते है ये वाला स्नेक, इसके वजह से रात को निकलता है। और ये इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो क्रेट प्रजाति का है, मैंने बोला क्रेट प्रजाति का जो और एक स्नेक है जिसको हम लोग कमन क्रेट बोलते हैं, जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है त्रिपुरा से, वो वन ऑफ द मेजर स्नेक है जो बिग फोर में आते हैं। बिग फोर वही स्नेक है जिसके वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट होता है। तो वही क्रेट फैमिली का ये वाला स्नेक है जिसको हम लोग ग्रेटर ब्लैक क्रेट बोलते हैं, त्रिपुरा से रिकॉर्डेड है, हमें भी बहुत बार मिला है ये वाला स्नेक। लास्ट जो स्नेक बाइट का इंसिडेंट हुआ था गुमोती में, इसके लिए भी ये वाला स्नेक जिम्मेदार है। तो आप लोग पहचानने का कोशिश कीजिए। और रात को मैं बोलूँगा सबको, ये वाला नसीहत मैं देना चाहूँगा कि जब भी आप रात को जहाँ पे स्नेक ज़्यादा मिलता है रात को निकलेंगे तो आपको सावधानी बरतना चाहिए, टॉर्च वगैरह लेके निकलिए। मोरओवर जब भी रात को आप सोने जाइए तो ऊपर में सोइए, बिस्तर में सोइए, नीचे मत सोइए। और जो मॉस्किटो नेट होता है उसका यूज़ कीजिए, जिससे कि इस तरह का स्नेक बाइट का जो इंसिडेंट हुआ है जो रात को हुआ था इससे हम लोग बच सकते हैं। मोरओवर वन मोर थिंग जो मैं लास्ट में इंक्लूड करना चाहूँगा, जब भी कभी स्नेक बाइट का इंसिडेंट हो जाए ज़्यादातर हमारे रीजन में, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में जाइए आप, कोई भी स्नेक चार्मर के द्वारा कभी भी स्नेक बाइट को आप ठीक नहीं कर सकते। तो ये सुपरस्टिशन के वजह से आप देख सकते हैं और एक मौत हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो के द्वारा अगर थोड़ा सा भी अवेयरनेस त्रिपुरा के लोगों के अंदर, त्रिपुरा नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट में जाए कि स्नेक बाइट जब भी हुआ हो जाए, वो एक एक्सीडेंट होता है स्नेक बाइट, जब भी स्नेक बाइट हो जाए आपको हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, किसी भी ऐसे बाबा यहाँ पे बोलते हैं जो लोकल लैंग्वेज में ऊझा, उनके पास मत जाइए कभी भी। उन लोग आपको ठीक नहीं कर सकते, स्नेक बाइट को क्यूर नहीं कर। और ज़्यादा स्नेक त्रिपुरा में वेनोमस नहीं है, जो स्नेक वेनोमस है उससे ही आपको इफेक्ट हो सकता है। तो आप डरिए मत, वेनोमस स्नेक का बाइट हो जाने से, कोई भी स्नेक का बाइट हो जाने से आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे ही आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि स्नेक बाइट का एक ही दवाई मिलता है, उसको हम लोग पॉलीवेनम बोलते हैं। अभी लास्ट में थोड़ा पॉलीवेनम के बारे में हम लोग जान, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दवाई है वही है पॉलीवेनम जो चार सांपों का जहर को मिला के बनाते हैं। जो चार सांप है, स्पेक्टाकल कुबरा, कॉमन क्रेट, सोस्केल्ड वाइपर एंड रासल वाइपर, ये चारों सांपों का जो वेनम है एक साथ मिला के ये वाला दवाई बनाया जाता है। और वही एक ही दवाई है जिससे आप लोग स्नेक बाइट को क्यूर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाना होगा, कभी भी कोई भी बाबा या फिर ऊझा जो भी बोले आप स्नेक चार्मर, कभी भी आपको क्यूर नहीं कर सकते स्नेक बाइट के लिए। तो मेरा इस छोटा सा एक कोशिश है लोगों को अवेयर करने के लिए कि स्नेक बाइट को आप लोग ऐसे ट्रीट मत कीजिए, हॉस्पिटल में जाइए। धन्यवाद।